नमस्कार बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ खास बातें आज के समय में पार्किंग के साथ चार फ्लोर बनाने का सिस्टम चल रहा है नीचे पार्किंग और ऊपर चार फ्लोर बनाते हैं ऐसे में आपका अपना प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो आपको अपने यहाँ पर लिफ्ट और स्टेयर्स किस एरिए में बनानी चाहिए और मेन गेट यानी मुख्य द्वार किस एरिए में बनाना चाहिए क्योंकि जब पार्किंग एरिया बनाते हैं तो उसमें हमेशा ही दो गेट लगाए जाते हैं तो ऐसे में आपको दो गेट कहां पर लगाने चाहिए आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें एक गेट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ की ओर और, और दूसरा गेट आपको नॉर्थ सेंटर में बनाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट की ओर आपको दीवार जरूर बनानी है यानी कि वेस्ट की, की दीवार प्लस नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की ओर यानी जहां तक दूसरा गेट आता है वहां तक आपको दीवार बनानी है आपको अपने यहाँ पर लिफ्ट और स्टेयर्स कहाँ बनानी है लिफ्ट और आपको अपने यहाँ पर वेस्ट सेंटर में या वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर बनानी चाहिए। यहाँ पर लिफ्ट और स्टेयर्स बनाने से छत के ऊपर वेस्ट का हिस्सा ऊंचा हो जाता है ऐसे में जब लिफ्ट और स्टेयर्स वेस्ट के भाग में बना देते हैं और वेस्ट का भाग छत के ऊपर ऊंचा हो जाता है तो हमेशा ही उस घर में रहने वालों को मान सम्मान मिलता है उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों को अपने काम में कामयाबी मिल जाती है कभी भी लिफ्ट और स्टेट्स ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए यहाँ पर लिफ्ट और स्टेट्स बनाते हैं और पार्किंग रखते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि आपका नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट का हिस्सा बन जाता है और वेस्ट का हिस्सा आपका खुला खाली हो जाता है जो आपका अपना मेन गेट है वो मेन गेट भी आपका नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपका अपना मेन गेट बनता है इसी के साथ में दूसरा मेन गेट आपका नॉर्थ सेंटर में आ जाता है ऐसा होने से आपका वेस्ट का भाग हल्का हो जाता है और ईस्ट का भाग हैवी हो जाता है और छत के ऊपर जो लिफ्ट का रूम बनता है और स्टेज की जो बनती है, उसके आपका का भाग, कमी आती है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लिफ्ट और स्टेज बनाए तो वो वेस्ट की दीवार के साथ बनाए ईस्ट की दीवार के साथ ना बनाए क्योंकि जब पार्किंग के साथ चार फ्लोर बनाए जाते हैं तो उसमें जो बिल्डिंग की हाइट होती है उस हाइट की कुछ कंडीशन होती है उससे ऊपर हम बिल्डिंग को नहीं बना सकते तो ऐसे में जब हम लिफ्ट और स्टेयर्स ईस्ट की दीवार के साथ बनाते हैं तो वो हमेशा तकलीफ देते हैं तो ऐसे में लिफ्ट और स्टेयर्स हमेशा ही वेस्ट की दीवार के साथ बनाने चाहिए मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो इस प्रकार से आप अपने घर के अंदर मेन गेट और लिफ्ट और स्टेयर्स बना सकते हैं आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी ये सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं और आप अपने साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी पेड़ रहेगी इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार